सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल हेल्थी लाइफस्टाइल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक वाइटनिंग लोशन बनाना सिखाऊंगी। ये हाथों और पैरों के लिए है, पर अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और उसको कोई प्रॉब्लम, एक्ने प्रॉब्लम या कोई और ब्रेकआउट प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं पिछले 3 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और कोई चीज़ें भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आप नॉर्मली हम जैसे स्टोर्स पे जाते हैं, ये चीज़ें आपको सस्ती आम अवेलेबल होंगी, आम मार्केट में भी, लोकल मार्केट में। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे कीमती मशवरों और टोटकों से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर करें। इस लोशन को बनाने से पहले मैं कुछ लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस इन इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देगी। ये मैं पिछले 4-5 माह से ये इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसीलिए मेरी वीडियोस लेट आती हैं, क्योंकि जो चीज़ हम आपको बताते हैं पहले मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ऑन एयर करते हैं, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का इससे नुकसान ना हो। तो इस जो ये जो आज मैं आपको लोशन बनाना सिखाऊंगी, ये आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियां गर्मियां दोनों के लिए। और हम ख़ास तौर पे हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो घर के काम करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं, कपड़े धोती हैं, मैंने खुद महसूस किया कि मेरे अपने हाथों का जो असल रंग है वो ख़राब होना शुरू हो गया था। तो उसकी वजह से मैं हमेशा सबसे पूछती रहती थी कि अब क्या, किस तरह से अपने हाथों को मेनटेन रख सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि ये फार्मूला मुझे किसी ने दिया था, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, तो ये यूज़ करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ नरम रहे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आया। हाथों की रंगत भी पहले से बेहतर रही। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ, ये 100 out of 100 है। ये प्लीज़ आप यूज़ करके देखें, फिर मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिला। और फिर अगेन, ये पूरे साल के लिए, ये कोई सर्दियों गर्मियों की चीज़ नहीं है, ये सारा साल आप बना के रखें, आपको इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ओलिविया मॉइस्चराइजिंग क्लेंजिंग मिल्क लिया है। इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, 160 रुपये में आपको मिलेगा। और बहुत अच्छी, एक तेज़ खुशबू नहीं है, बहुत डल खुशबू नहीं है, मुझे इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। इसमें एक और फ्लेवर आया है, मैंने भी ट्राई नहीं किया, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सा भी लोशन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो वैसलीन लोशन ले लें, केयर ले लें, कोई भी लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस ओलिविया से बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं हमेशा भी ओलिविया इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद जो क्रीम आपने इसमें, एक कोई ब्यूटी क्रीम ऐड करनी है जो आपको सूट करती है। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम है, हमारे आसानी से अवेलेबल है और ये मुझे बहुत सूट भी करती है। तो मैंने ये, मैं आज इसमें ये इस्तेमाल करूँगी। आप कोई और जो आपको सूट करती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये विटामिन ई के या वाइटनिंग कैप्सूल्स भी इनको कहते हैं, ये मैंने लिए हैं। ये देखिए, ये 6 अदद हैं और ये हर जगह से मुख्तलिफ प्राइस होती है, पर मैं तो जो 10 रुपये वाले मिलते हैं, ये 10 रुपये का एक मिला है मुझे, तो ये जो है मैंने 6 ले लिए हैं। आप इसमें 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 एक रीज़नेबल अमाउंट है। इतनी सी आप डालेंगे, क्वान्टिटी है, इतनी सी आप डालेंगे तो आपका काम जो आप चाहते हैं वो करेगा वो। उसके बाद ये जो इंजेक्शंस इनको कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सीरम्स होते हैं, ये आप आजकल प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये डर्माकॉस का लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग का जो इंजेक्शन है या सीरम भी इनके मिलते हैं। ये मैं इंजेक्शन यूज़ करती हूँ, मुझे इंजेक्शन का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पता चलता है। तो मैंने ये 2 अदद लिए हैं, एक मैंने लाइटनिंग वाला ले लिया ताकि मेरी रंगत को भी ये सही रखेगा, एक मैंने मल्टीविटामिन ले लिया है, ये ताजगी के लिए और जिल्द को नरम और नाजुक रखने के लिए होता है। तो ये आज हम इसमें 2 इस्तेमाल करेंगे। ये डर्माकॉस के इंजेक्शंस की जो प्राइस है, ये 70 रुपये से 110-120 रुपये तक होती है। तो ये एक इंजेक्शन जो है मुझे 70 रुपये का ये मिला है, और ये जो मुझे है वो 120 रुपये का मिला है। तो ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा, किसी अच्छे स्टोर पे जाएं जहाँ पे आपको यकीन है कि आपको नकली प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। मुझे ये यकीन है कि गोल्डन पर्ल में भी आपको नकली कभी नहीं मिलेगा और ओलिविया में भी आपको नकली नहीं मिलेगा। बाकी ये जो डर्माकॉस के हैं, ये आपने कंपनी के देख के ही लेना है, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये मिक्स कैसे करना है। ये मिक्स करना भी एक ट्रिक होता है, आपने एकदम से इकट्ठे मिक्स नहीं करना, आपने आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को मिक्स करना है। मैंने ये एक बोल ले लिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले अपनी क्रीम ओपन करेंगे।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबसे पहले हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे, अगर आप और आराम आराम से लोशन आधा आधा करके इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर मिक्स करने के लिए। अगर आप लोशन और ये इकट्ठा डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, जो फिर बाद में आपको मुश्किल होगी, वो टूटनी बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए मैं क्रीम निकाल रही हूँ अंदर से, क्रीम निकाल के हम इस बॉल में ले लेंगे क्योंकि हमने सब कुछ मिक्स करना है इकट्ठा। ये देखें ये अब इसमें जो गुठलियाँ हैं वो टूटना शुरू हो गई हैं। ये देखें ये आपने हाथ से प्रेस गुठलियाँ, बस आपने इसकी जो है ये प्रेस डाउन करनी है। इसके अंदर अब कोई लम्स महसूस नहीं हो रहा, कोई गिल्टियाँ या गुठलियाँ जो बन जाती हैं वो महसूस नहीं हो रही मुझे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह 10-15 मिनट जो है जो पहली मैंने डाला है और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, क्योंकि क्रीम और लोशन का टेक्सचर जो है उसको मिक्स करके टेक्सचर बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो ये मैंने उससे किया है। अब मैं बाकी का बीच में डालती हूँ। अभी भी आपने थोड़ी सी मिकदार डालनी है, मिक्स करनी है, फिर इस तरह थोड़ी थोड़ी करके डालना है। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि यही सेफ साइड है। ये देखें अब हम इसके अंदर ये मैंने मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये देखेंगे ये मैंने विटामिन ई के ये जो लाइटनिंग कैप्सूल्स या वाइटनिंग कैप्सूल्स इनको हम कहेंगे, किसी स्टोर से तो आपको मिल जाएंगे। ये मैं ये कट कर रही हूँ, ये देखें साइड से, और ये ऐसे निकलेंगे, ये देखें ठीक है, ये ऐसे बीच में से निकलेगा। ये आपने डालते जाना उसके अंदर। ये मैं सारे खोल कैसे डाल के फिर मैं एक दफ़ा इसको मिक्स करना शुरू करूँगी ताकि मिक्स हो जाए। अब ये मैंने जो वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं ये सारे इसके अंदर डाल लिए हैं खोल के, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये भी इनका भी होता है कि गुठलियाँ ना बने बीच में, तो ये भी एक थिक सी क्रीम निकली है तो इसको मैं मिक्स कर। इसी के साथ हम इंजेक्शन्स भी खोल के बीच में डाल लेते हैं। ये देखिए ये जो मैंने आपको इंजेक्शन्स दिखाए थे ये वाले हम खोल के बीच में डाल लेते हैं, ताकि अभी हम मिक्स कर रहे हैं तो ये इकट्ठे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इंजेक्शन्स जो हैं ये इनकी बॉटल्स क्योंकि शीशे की होती हैं, ये देखिए आपने बड़े आराम और एहतियात से इसको तोड़ना है। ये देखिए आपने एहतियात से तोड़ना है कि शीशा इसके अंदर ना चला जाए। ये देखिए ये हो गया। ये मैंने एक मल्टी फ्रूट वाला डाला था और ये एक मैं स्किन लाइटनिंग वाला डाल रही हूँ। आपको बाजार में डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगी, क्यूकम्बर वाले भी आए हुए हैं, वो भी स्किन की नरमी के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप डिफरेंट जो है ना अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है, बल्कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। कोई भी प्रोडक्ट में आप यूज करें, ट्राई करके देखें आपको कैसा लगता है। देखो ये देखें मैंने मिक्स कर लिए, बिल्कुल ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आई है, कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें अब मैं इसको इसी बॉटल में वापस भर लूँगी ताकि मैं इसको इसी से इस्तेमाल कर सकूँ, किसी नए बर्तन में या किसी नए किस्म की डिब्बिया में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसमें इस बोतल में इसको भर के दिखाती हूँ। ये देखें आपके पास फनल है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बगैर भी काम चल जाएगा आप, क्योंकि ये थिक होती है
क्रीम सी जो बन जाती है, तो ये आप ऐसे हल्की सी उठाएंगे ना ऊपर, तो इसकी वो लकीर सी बनना शुरू हो जाएगी। तो बस वो फिर आप ऐसे एहतियात से डालते जाएं इसको। ये देखें, ये मैंने बॉटल में भर ली है। हो सकता है इसकी मिकदार थोड़ी सी इस बॉटल से ज़्यादा हो, क्योंकि हमने क्रीम और वो जो इंजेक्शन वगैरह डालें, तो आपके पास अगर पहले की बॉटल पड़ी उसमें डाल लें, वरना आप ये जो आपकी क्रीम की डिब्बी है इसमें डाल लें और बाद में इसको इस्तेमाल कर लें। मेरे पास पहले की बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने उसमें भी आधा उसमें कर लिया और आधा इसमें कर लिया। ये लोशन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप इस बोतल को अच्छी तरह पकड़ के ऐसे शेक करेंगे ताकि प्रोडक्ट मिक्स रहे बीच में, और फिर आप इस्तेमाल करके हाथों पैरों पे। और अगर किसी की स्किन बहुत अच्छी है, कोई एक्नी ब्रेकआउट का मसला नहीं है, तो आप फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हमने सारे यूज़ किए हैं, ये आम ब्यूटी जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।